हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ 2 BHK प्लस स्टडी का हमने इंटीरियर किया है गौर सिटी 6 एवेन्यू में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, हमारी मेन एंट्री हो जाती है जो कि एग्जिस्टिंग डोर लगा हुआ था। तो ये जैसे आप एंटर करोगे तो मेन डोर की हमने लैमिनेट चेंज की हुई है। उसके अलावा जैसे एंटर करोगे तो ये हमारा एक बेडरूम हो जाता है, किड्स बेडरूम या एक स्मॉल बेडरूम है। फोयर की बात करें तो यहाँ पर अभी एक जाली आनी बाकी है, उसके पीछे लाइट आ जाएगी। तो जैसे आप ड्राइंग रूम में एंटर करेंगे तो हमने कुछ इस तरीके की यहाँ पर फॉल सीलिंग की हुई है, जिसमें 2 फैन और एक बीच में सैंडलियर और लाइट लगी हुई है कुछ इस तरीके से। उसके अलावा इस वाले वॉल पर हमने यहाँ पर एक टीवी कैबिनेट बनाया है, जिसमें अपने 4 शटर बने हुए हैं, 2 ड्रॉर हैं। यहाँ पर अपना टीवी आएगा, ऊपर में एक सेल्फ है जिसके ऊपर प्रोफाइल लाइट है, यहाँ पर भी 2 सेल्फ हैं, इसके अंदर भी हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। साथ ही इधर वाली साइड और इधर वाली साइड हमने लूबर्स कंटिन्यू किए हैं टिल सीलिंग। तो कुछ इस तरीके से पूरा लुक आता है टीवी कैबिनेट का। यहाँ पर साइड में ये मतलब अभी जहाँ पर भी लोकेशन उनकी सेट होगी क्लाइंट की, वहाँ पर ये मंदिर रखा जाएगा। यहाँ पर हमने एक मंदिर बनाया है जो कि अपना 6 फीट बाय 3 फीट का मंदिर है, जिसमें अपने ड्रॉर हैं, 2 शटर हैं, यहाँ पर जाली लगी हुई है, इधर सेल्फ हैं, 3 सेल्फ और 3 सेल्फ इधर हैं, और अभी इसके ऊपर अभी जाली के शटर आने बाकी हैं। फिर जैसे ही आप ये एंटर करोगे डाइनिंग की तरफ तो यहाँ पर हमारा जो बीमा रखा है उसके हमने पैनलिंग की है और उसके ऊपर हमने स्पॉट लाइट लगा दी है, जो कि अपना डिवीज़न कर देता है डाइनिंग और ड्राइंग को अलग अलग। फिर यहाँ पर हमारी फॉल सीलिंग रहती है कुछ इस तरीके की डाइनिंग में, यहाँ पर हैंगिंग लाइट आ जाएगी जो अपने डाइनिंग के ऊपर फोकस करेगी। तो फिर ये हमारी किचन आ जाती है जो कि हमारी एल शेप की किचन है, जिसमें आप ये देख रहे हो सामने एक प्लेटफॉर्म है और इधर प्लेटफॉर्म है। इस साइड में हमने यहाँ पर चिमनी के लिए स्पेस दिया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने यहाँ पर चिमनी और दोनों तरफ हमारे हाइड्रोलिक शटर हैं, जिसके अंदर हमने फ्रोस्टेड ग्लास लगाया है और इसके अंदर हमारी सरफेस लाइट है। उसके ऊपर भी हमारी ये लॉफ्ट स्टोरेज आती है और सबसे ऊपर हमने पेलमेट निकाला हुआ है, जिसके अंदर हमारी स्पॉट लाइट है जो इसको हाईलाइट करनी है लेमिनेट को। उसके अलावा हैंडल कुछ इस तरीके के हैं। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर हमने 2 बास्केट, यहाँ सिंगल बास्केट और यहाँ पर भी 2 बास्केट लगाई हैं। ये कॉर्नर स्पेस आता है, ये बड़े कंटेनर के लिए स्पेस है, ये हमारे सिंक के नीचे वाला स्पेस है। यहाँ पर हमने के लिए हमने ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है, ये सारी हमारी स्टोरेज आती है। हमने इसमें अगर आप देखोगे 2 कलर के लेमिनेट यूज़ किया है, नीचे ब्लैक ग्रेन्स के साथ और ऊपर वाइट ग्रेन्स के साथ। इसमें हमने टाइल और ये हमने ग्रेनाइट चेंज किया हुआ है कुछ इस तरीके से। पूरी किचन की लुक आती है, किचन में भी हमने नीचे प्रोफाइल लाइट लगाई है। तो दोस्तों, ये हमारा डाइनिंग एरिया जाता है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो 3 एंट्री हैं, एक बेडरूम की, एक दूसरे बेडरूम की और यहाँ पर अपने टॉयलेट की एंट्री है। जैसे मैं अब अंदर की साइड चलता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वही हमने यहाँ पर भी सभी दरवाजों के ऊपर लेमिनेट और डोर फ्रेम पैनलिंग की हुई है। उसके अलावा अगर आप लेमिनेट में देखोगे तो कुछ इस तरीके का डिजाइन है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और ओवरऑल लुक जो आ रही है डोर्स की बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप तीनों को एक साथ देखोगे कुछ इस तरीके से दरवाजे आपको नज़र आते हैं। तो जो हैंडल है वो हमारे एग्जिस्टिंग हैंडल है, जो पुराने वाले हैं वही हमने यूज़ किए हैं। तो जैसे ही आप ये एंटर करोगे बेडरूम में तो ये हमने यहाँ पर फॉल सीलिंग की है, जिसमें आप चारों तरफ पट्टा और बीच में डिजाइन देख सकते हो फैन के चारों तरफ। सामने हमने एक बेड बनाया है, क्वीन साइज बेड है हमारा 6x6 का, जो कि कुछ इस तरीके का इसमें हमने डिजाइन दिया है कि यहाँ पर हमारा बॉर्डर है 4 इंच का और यहाँ पर भी ये आप साइड से कुछ ऐसे लुक देख सकते हो। हमने 4 पार्ट में इसको खोलने का प्रोविजन दिया है। उसके अलावा अगर पीछे की बात करें तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर डिजाइन है। इस साइड में आप देखोगे तो साइड टेबल है और यहाँ पर ये हमारा कुशन वर्क है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। अगर मैं इसकी वार्डरोब की बात करूँ तो यहाँ पर हम ये लोहे की वार्डरोब है, जिसमें हमारे नीचे 3 शटर हैं और ऊपर हमारे 3 लॉफ्ट के शटर हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे तो स्पेस दिया हुआ है काफी बड़ा है कि ये इसको आप मंदिर या स्टोर कैसे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर लोहे की वार्डरोब लगी हुई है ऊपर लॉफ्ट स्टोरेज के साथ। तो ये हम एंटर करते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ।
तो जैसे आप ये एंटर करोगे तो सामने अगर आप देखोगे बिल्डर स्पेस में हमारी वही मेटल वाली वार्डरोब है। अगर यहाँ मैं इस वाली वॉल की बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई है, ऊपर में लॉफ्ट स्टोरेज है, यहाँ पर हमारा एक ड्रेसिंग आ जाता है कुछ इस तरीके से, पूरा ड्रेसर है, यहाँ पर दो ड्रॉर, ऊपर पूरा ड्रेसिंग, इसके पीछे भी स्टोरेज बनाई हुई है, यहाँ पर भी हमारी ये स्टोरेज है। यहाँ पर अगर आप मतलब पहले नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक कॉलम आ रखी है, कॉलम को हमने इस लेवल पे कवर किया है कि आपको सामने से पूरी एक सिंगल वॉल नज़र आती है विदाउट एनी लेवल्स। अगर मैं इसके बेड की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमने एक क्वीन साइज का बेड बनाया है, कुछ इस तरीके का है हमारा बेड है, इसमें वही हमारी चारों स्टोरेज है। इसमें हमने यहाँ पर एक पेलमेट टाइप बनाया है जिसके अंदर स्पॉटलाइट, यहाँ पर हमारी MDF की जाली है विद ड्यूको फिनिश ब्राउन कलर, और यहाँ पर हमारी ये कुशन आ जाती है। साइड में हमने एक साइड टेबल बना दिया है। अगर मैं इसके फॉल सीलिंग की बात करूँ तो फॉल सीलिंग में हमने यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट लगाई है जो कि एक एम्बियंस क्रिएट करती है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरीके का पूरा डिज़ाइन आ जाता है फॉल सीलिंग का, यहाँ पर हमने एक फ़ैन लगाया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।